क्रिमिनल्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स, टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स, माफियाज, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स, इनसे दुश्मनी होती है। ऐसा कोई है क्या यहाँ पे? अगर ऐसा कोई है तो फिर आप हमसे दोस्ती मत कीजिए, हम आपके दोस्त हो भी नहीं सकते। ऑन अ सीरियस नोट, आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ टुडेज फंक्शन। थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन जो दादाजी को हमने सुना, सुभाष काबरा जी, राकेश वर्मा साहब, संगीता सरल मैम, श्रद्धा सौर्य मैम, मनीष वाजपेयी जी, नीरज व्यास जी, प्रमोद शाहू साहब, इन सबके लिए जोरदार ताली बजाइए फिर से एक बार। ये लोग जो होते हैं ना, एक अलग ब्रीड होता है। जिस वातावरण में, जिस फैमिली में, जिस देश में, जिस एरिया में हम पले बड़े होते हैं, उसी वातावरण में ये भी पले बड़े होते हैं। बट इनका जो ऑब्जर्वेशन होता है, इनका जो क्रिएटिविटी होता है, वो जब हमारे सामने आता है तो दिल बाग बाग हो जाता है। आया ना, फिर से एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। शायद वो मेरी तारीफ सुनने में अभी यहाँ पे हाजिर नहीं है, वो कोई सोच भी नहीं सकता ना, पुलिस वाले अपने को कोई अच्छी बात बोल भी सकते। मैं आप सभी को इतना ही बताना चाहूंगा कि मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता, हर रिश्ते का कोई तोल नहीं होता। यूं तो कई लोग मिलते हैं जीवन में हमको हर मोड़ पे, यूं तो ये बीच बीच में एंकर बहुत बढ़िया, बीच बीच में क्या पता नहीं क्या देते रहते, मेरे पास मेरे लिए कोई बैठा भी नहीं है। यूं तो थैंक यू, ये आवाज बोले इनके लिए ताली बजाओ भाई। यूं तो कई लोग मिलते हैं हमको जीवन में हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता, हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता। और आखिरी दो पंक्तियां कह के विदा चाहूंगा, जो एंकर साहब ने बोली उसको थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे बोला है कि ये जो शेर है वो इस ढंग से ही पढ़ना। सर, आपने बीवी के बारे में जो भी बोला, आई एग्री, हस्बैंड एंड वाइफ इज सच अ वंडरफुल रिलेशनशिप, विच इज यू नो, विच इज क्लोजेस्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स, बट उसमें जो प्यार होता है, उसमें जो नोकझोंक होती है, उसमें जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, उसमें जो कभी कभी झगड़े होते हैं, वो सभी एंजॉय करके एक दूसरे से प्यार करके रहना होता है। दैट इज द एसेंस ऑफ फैमिली लाइफ, दैट इज द मोस्ट मैंडेटरी रिक्वायर्ड थिंग, दैट इज बिल्डिंग अ फैमिली। उसने मुझे ये जो शेर सर ने बोला वो थोड़ा सा अलग ढंग से बोला था, और मैं यहाँ पे बैठे हुए सभी पतियों जैसा आज्ञाकारी पति हूँ। सर, यस ओ नो, है क्या हिम्मत? जब मैं पुलिस में आया, मेरी बीवी ने शादी की तो मुझे बोलती है कि मैं एक दिन आया, बोला मेरा सर दुख रहा है, वो मेरे पास आके घुटना दबाने लगी। मैं बोला अरे मेरा सर, बोलती पुलिस की अकल कहाँ पे होती है। फिर मैंने काफी पढ़ाई की, सर ने बताया, मैंने BSc किया, MSc किया, LLB किया, LLM किया, MBA किया, PhD किया। तो PhD का डिग्री लेने के बाद घर पे आया, बीवी को बोला यार आज तो मैं तेरे को इम्प्रेस करके रहूंगा। बट दुनिया के तमाम हस्बैंड्स को मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, सबसे चैलेंजिंग जॉब कौन सा है दुनिया में? बीवी को इम्प्रेस करना, आया ना, खुद की, दूसरे वाली शायद हो जाए। क्या एक्सपीरियंस है आपका सर? हाँ बोल रहे मैडम। तो मैं PhD होके आया, मेरी बोली बीवी PhD का लॉन्ग फॉर्म परमानेंट हेड डैमेज। बोलती पहले तो आधा दिमाग था, अभी तेरा पूरा खत्म हो गया। बट ऑन अ सीरियस नोट, बीवी ये ऐसी व्यक्ति होती है ना जो घर को संभालती है, माँ जो होती है ना वो घर को संभालती है। अगर भाई बीमार हो जाए तो घर कौन संभालता है? मम्मी। बहन बीमार हो जाए घर कौन संभालता है? मम्मी। पति बीमार हो जाए घर कौन संभालता है? मम्मी। पूरा घर बीमार हो जाए घर कौन संभालता है? मम्मी। लेकिन अगर माँ बीमार होती है तो पूरा घर बीमार हो जाता है। जोरदार ताली बजाइए सभी मम्मियों के लिए। वुमेन इज द मोस्ट वंडरफुल क्रिएचर ऑन दिस प्लैनेट, हु इज ब्लेस्ड विथ मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ दिस प्लैनेट। रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन का जो क्षमता भगवान ने या नेचर ने स्त्री में दी है, वो अगर पुरुष में होती तो शायद स्त्री का इम्पोर्टेंस थोड़ा बहुत चैलेंज में आ सकता था, बट हम कभी उसको चैलेंज कर नहीं सकते भाई, क्योंकि ये जो कर सकते हम कर भी नहीं सकते। तमाम बीवियों के लिए, तमाम बहनों के लिए जोरदार ताली बजाइए। आखिरी में मेरी बीवी ने जो मुझे बोला है वो शेर पढ़ता हूँ और विदा लेता हूँ। सर ने बोला था, थोड़ा अलग था,
मुझे जो पढ़ाया गया है थोड़ा अलग है कि वो बोलते हैं कि पलकों पे बिछाए रखना सितारों को, पलकों पे बिछाए रखना सितारों को, क्योंकि अब दूर तक अंधेरी राह होंगी। मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी है, किसी ना किसी मोड़ पर जरूर मुलाकात होंगी, किसी ना किसी मोड़ पर जरूर मुलाकात होंगी। अभी आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच, मैं भी आपको इनवाइट करता हूँ, आ जाओ थाने में।